मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था और वाकई में रिफ्लेक्ट हो रहा था नंबर्स में। इनफैक्ट कई हम में से कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये तो पेनी स्टॉक है पता नहीं, बट एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे कुछ मिड साइज बैंक्स में आपको इंटरेस्ट अभी भी है? नहीं, मिड साइज बैंक्स में भी हमें इंटरेस्ट है। एक्चुअली इसका जो है टोटली एक मैक्रो के कारण बेनिफिट मिल रहा है। एक तो सारे बैंकों ने जो है प्रोविजन बहुत बढ़ाई कोविड के समय और कोविड के पहले भी, और उसके ऊपर क्या हुआ है कि जो रिटेल क्रेडिट जो लोग दे रहे हैं, जो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या हाउसिंग लोन हो, उसमें जनरली जो हम एनपीए देखते हैं उससे बहुत कम एनपीए आ रही है। तो ये छोटे बैंक्स भी जिन्होंने हमें गाइडेंस दिया था कि मान लीजिए कि हम हमारे 1% या 1.5% का क्रेडिट कॉस्ट आएगा, उनको उतना भी नहीं आ रहा है। तो उनके प्रॉफिट जो है सब्सटेंशली बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और एक साल तो मुझे क्लियर रनवे दिख रहा है। पर छोटे बैंक्स में यही है कि अगर कोई एक बड़ा लोन दिया, जैसे अभी रिसेंटली सुनने में आया कोई एयरलाइन का इशू आया है, करेक्ट, तो ये सब आपको लैंडमाइन से जरा संभल के रहना पड़ेगा। बट जनरली इफ आई से बैंक्स इन जनरल आर लुकिंग वेरी गुड। लार्ज बैंक्स तो अच्छे ही लग रहे हैं, छोटे में भी काफी अपॉर्चुनिटी। एमएफआईज के बारे में आपका क्या व्यू है, एनबीएफसीज और एमएफआईज, वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ? मेरी जनरल व्यू है कि एमएफआई में ये आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, रिस्क तो पड़ जाता है। हाँ, तो इसमें ये बहुत ही रिस्की है। और जो सबसे बड़ा एमएफआई बैंक है उसकी बिहेवियर जनरली अगर हम बात करें लोगों से, वो बहुत एग्रेसिव रहा है। तो उसके एग्रेशन के कारण बाकियों को भी उसकी जो है हानि भुगतान भरनी पड़ी है। तो आई एम जनरली कॉशियस अबाउट एमएफआईज, बट एमएफआईज में बहुत अच्छे एमएफआईज भी हैं। बट मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ कि मैं एमएफआईज और एनबीएफसी में भी मेरा यही व्यू है कि जो उनका रेगुलेटरी आर्बिट्राज था वो चला और भी जा रहा है। तो आरबीआई जो है उनको नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अगर ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है तो मैं बैंक्स में बेटर ऑफ हूँ। इसमें क्यों करूँ कि नया रेगुलेशन आ गया फिर मेरे को उसमें प्रॉब्लम आएगी। अभी आप क्या रिसर्च कर रहे हैं नए सेक्टर्स में या कुछ अपॉर्चुनिटीज में, कुछ मीडिया में बीटन डाउन? हाँ, तो यही है, जैसे आपने बोला मीडिया स्टॉक्स जो है काफ़ी बीटन डाउन है, तो ये अपॉर्चुनिटी लगती है। ऐसा नहीं है कि उनका जो एड ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग आने वाला है, बट उनकी वैल्यूएशन जो है ऑल टाइम लो पे चल रही है और ये सब के ब्रांड हैं। तो समटाइम्स आपको पेशेंटली कुछ एमएनसी बन सकते हैं। हाँ तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हम पेशेंटली इस पे वेट करेंगे, जैसे हमने कहा कि ये हम इस सेक्टर पे हम ध्यान दे रहे हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आपको कल ही ये 20% 25% बढ़ जाए, हो सकता है कि 2 साल कुछ ना करें, लेकिन लग रहा है कि इनमें वैल्यू बहुत अभी है। ऑटो एंसिलरी वहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है? ऑटो सेलेक्ट, टू व्हीलर्स मैं जनरली अवॉइड करूँगा, अनलेस आप अगर हायर ब्रांड पे हायर सीसी पे जाएं, क्योंकि हमारी एक के शेप रिकवरी आ रही है। सही बात। तो इसमें क्या है, जो लोअर एंड ऑफ द टू व्हीलर है वो स्ट्रगल कर रही है, और पैसेंजर व्हीकल्स आर मच बेटर, वहाँ अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा है नहीं, एक दो ही अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। कमर्शियल व्हीकल्स अभी अच्छा कर रही हैं, तो दैट इज़ एंड अगर गवर्नमेंट की इंफ्रा स्पेंडिंग कंटिन्यू रही तो कमर्शियल व्हीकल्स जो है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। एंड रिलेटेड आपकी जो एंसिलरीज हैं वो बेनिफिट में आए। इनफैक्ट आपको जानकारी